आज ट्यूटोरियल। सो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, और खुश रहना भी चाहिए, राइट? सो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग। रेगुलर कोर्सेज में उसको कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से हम पढ़ते हैं, बट प्रोफेशनल कोर्सेज में उसको हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से पढ़ते हैं। सिलेबस में कोई बिग डिफरेंस है नहीं, ऑलमोस्ट सेम है, ओके? तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम पढ़ते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डीप स्टडी करने से पहले या उसके चैप्टर्स के गो थ्रू होने से पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने से पहले भाई हम ये तो जान लें कि कॉस्ट क्या है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज कॉस्ट। Cost is the amount which has to be paid or given up in order to get something, that is called cost. कोई भी amount जो हम किसी चीज को produce करने के लिए या manufacture करने के लिए bear करते हैं, खर्च करते हैं, वो amount हमारी cost कहलाती है। इसको आप example से समझिए। Suppose एक garment का या woolen garment का business है, उनको ऊनी कपड़े या woolen garments बनाने हैं, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए होगा? वुलन चाहिए होगा, यानी कि ऊन चाहिए होगा, थ्रेड चाहिए होगा, मशीनरी चाहिए होगी, लेबर चाहिए होगी, वर्कर जो उसको बनाएंगे, स्टिच करेंगे, रूम चाहिए होगा या फैक्ट्री चाहिए होगी जहाँ बैठकर वो सब ये काम करेंगे। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हम वुलन गारमेंट को बनाने के लिए हम कर रहे हैं, ये सारे एक्सपेंसेस कॉस्ट कहलाएंगे, जिसको हिंदी में हम लागत भी कहते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ वेजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके? Now let's talk about the cost accounting. Cost accounting is the technique or process through which we can get and we can ascertain the cost. Cost को ज्ञात करने की प्रणाली या प्रक्रिया को हम cost accounting कहते हैं. Cost accounting is the process of recording, classifying, analyzing, summarizing, allocating various course of action to control of cost. That is cost accounting. Cost accounting के through हम अपनी की गई खर्चों को या कॉस्ट को एनालाइज कर सकते हैं, माइन्यूटली फोकस करके जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम फाइनल अकाउंट बना ही देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज क्या है या कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं? तो मैं आपको बताती हूँ। एज वी एवरीबडी नोज दैट एवरी बिजनेस हैव टू फेस अ स्टिफ कॉम्पिटिशन टू सर्वाइव इन द मार्केट एंड ग्रोथ एज वेल। सो इन दैट केस उसको अपनी हर एक प्रोसेस पर डीपली और माइन्यूटली फोकस करके चलना पड़ता है। फाइनल स्टेटमेंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं, लमसम अमाउंट अपना पूरा एग्रीगेट कैलकुलेट करके दिखाते हैं, और वहां पे हमें पता चलता है कि डिफरेंस प्रॉफिट में है या नहीं है, या क्या चल रहा है, या क्या कंडीशन है बिजनेस की, या प्रॉफिट आपके बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ये आपको पता चलता है। बट अगर वहां पे कोई भी चेंजेस आते हैं, कोई भी डिफरेंसेस आते हैं, तो उसको हम कैसे जज करेंगे, कैसे जानेंगे? तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द मेथड एंड टेक्निक जिसके थ्रू हम अपने एक्सपेंसेस को माइन्यूटली फोकस कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारे खर्चे जो हम कर रहे हैं प्रोडक्शन में या फिर आपके एडवर्टीजमेंट में, जहां पर भी जिस खर्चे में भी हमारा चेंजेस या डिफरेंस आ रहे हैं, उसको हम इसके थ्रू माइन्यूटली चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, और उसके बाद हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें फर्दर करना क्या है। ओके, चेंजेस कर सकते हैं, अगर ज्यादा हो रहा है तो रिड्यूस कर सकते हैं, कम हो रहा है तो उसको बढ़ा सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एग्जैक्टली हमारी लागत, हमारी कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेयर करते हैं, उसको फोकस करके उसके बारे में एक्सप्लेन करती है या कैलकुलेट करती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नीड एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नंबर वन इज एसर्टेन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को ज्ञात करना इज एज सिंपल एज दैट। कॉस्ट क्या है, कितनी कॉस्ट हमें खर्च करनी है कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, या कितनी कॉस्ट हमने खर्च कर दी कुछ प्रोड्यूस करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसको ज्ञात करना, उसको कैलकुलेट करना इज वन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट वन इज टू नो द एक्चुअल वेजेस। वेजेस वो अमाउंट होती है या वो पैसा होता है जो हम अपने वर्कर्स को, जो हमारी फैक्ट्री में या हमारे प्रोडक्शन में काम करते हैं, उनको हम देते हैं। तो उनको भी हम उनके टाइम कितना वो काम कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री में मशीनरीज भी लगी होती हैं, वेजेस भी वर्कर्स भी होते हैं। तो इन दैट केस हमें ये कैलकुलेट करना होता है कि आपका ये वर्कर जो काम कर रहे हैं कितने टाइम काम कर रहे हैं, कितने टाइम मशीन के ऊपर वो काम कर रहे हैं, कितने टाइम उनके वर्क वेजेस को उनके काम के अकॉर्डिंग जानना या उनको देना, ये एक्चुअल वेजेस होती है, राइट? जैसे कि हम देखेंगे
तो इसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग में उस वेजेस को कैलकुलेट कर दिखाते हैं ओके कितना वेजेस हमको अपने हमारे लेबर को देना है या कितना खर्चा हमारा वेजेस पे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आने वाला है. द नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट द रीजन फॉर चेंजेस इन प्रॉफिट. इफ देयर इज द चेंजेस इन प्रॉफिट, अगर आपके बिजनेस स्टेटमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट में कुछ चेंजेस आ गए, वेदर इट विल बी इन डिक्रीजिंग फॉर्म और इन इंक्रीजिंग, इन दैट केस आप कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ये जान सकते हैं या ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि बिजनेस में जो प्रॉफिट में चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, क्या खर्चे हमारे ज्यादा हो रहे हैं कम हो रहे हैं. अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो हम बट ऑब्वियसली बात है उसे मोर इंक्रीज करने के लिए अपने और एफर्ट लगाएंगे, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसके एक्चुअल रीजन को जान के पहचान के उस पर हम ओवरकम करके उसका रिकवर करके उस पर सोल्यूशन लेंगे. ओके द नेक्स्ट वन इज कॉस्ट कंट्रोल एंड एक्सपेंसेस कंट्रोल. जैसा कि यहाँ आपको बताया गया है कि चेंजेस इन प्रॉफिट में आपका चेंजेस हो रहा है तो उसके सिचुएशन में कहाँ चेंजेस हो रहे हैं या कॉस्ट ज्यादा है या कम है उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसको हम एनालाइज भी कर सकते हैं. ओके द नेक्स्ट वन इज हेल्प मैनेजर टू फ्रेम बजट एंड पॉलिसीज. जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हमारे होने वाले खर्चों को पहले से कैलकुलेट करके चल लेंगे या हो चुके खर्चों को भी हम कंपेयर कर लेंगे, तो इन दैट केस क्या होगा, मैनेजर को पॉलिसीज को या बजट को प्रिपेयर करने में हेल्प प्रोवाइड होगी कि उनको कितना कितना खर्च करना है इस प्रोडक्शन में, कहाँ कहाँ खर्च करना है, कितना मटेरियल चाहिए, कितना लेबर चाहिए, कितने अदर एक्सपेंसेस चाहिए, ये सारे एक्सपेंसेस को वो कैलकुलेट करके बिजनेस की पॉलिसीज का फ्रेमवर्क रेडी कर सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे कैन डू देयर बिजनेस अहेड इजीली. द नेक्स्ट वन इज डिटरमाइनिंग फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को ज्ञात करना या पहचानना. मैं बताती हूँ फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल क्या होता है. फिक्स्ड कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो हमारे प्रोडक्शन लेवल के घटने बढ़ने से कोई डिफरेंस नहीं आता, एग्जैक्टली वही रहती है जैसे कि फैक्ट्री का रेंट या रूम का रेंट. वेरिएबल कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो कॉस्ट हमारे प्रोडक्शन लेवल के घटने बढ़ने से चेंजेस होती है या चेंज होती है, जैसे कि मटेरियल जितना हमें प्रोडक्शन करना होगा उतना घटेगा बढ़ेगा, चाहिए होगी उतनी रिक्वायरमेंट होगी, वेजेस भी हमारे अकॉर्डिंगली चेंजेस होगी, तो ये हमारे हो गए वेरिएबल. अब हम बात करते हैं सेमी वेरिएबल. सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस और कॉस्ट आर दोस कॉस्ट जो मिक्स्ड है, जिसमें कुछ पोर्शन फिक्स्ड है और कुछ पोर्शन वेरिएबल. जैसे कि टेलीफोन बिल जिसका आपको मंथली रेंट देना पड़ता है वो फिक्स्ड है, बट अदर देन दैट जो जितना आप टेलीफोन को यूज करते जितने आप कॉलिंग करते हैं अकॉर्डिंगली आपका बिल जनरेट होता है, तो दिस इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल एग्जाम्पल्स एक्सपेंसेस. ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट के एलिमेंट या तत्व क्या है. ओके तो नंबर वन इज मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस. ओके इन एक्सपेंसेस और इन मटेरियल लेबर के बीच सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब आप सोच रहे होंगे कि मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस तो समझ आ गया बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है. तो सबसे पहले हम उसमें पढ़ते हैं डायरेक्ट मटेरियल. द मटेरियल व्हिच सप्लाइज और कंज्यूम ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग टाइम दैट इज डायरेक्ट मटेरियल. मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर या प्रोडक्शन के टाइम पर जो हम बना रहे हैं उस टाइम पर जो डायरेक्टली मटेरियल कंज्यूम होगा उसको हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं. एग्जाम्पल समझिए, ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन, जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें ब्रिक्स चाहिए होता है, सॉइल चाहिए होता है, सीमेंट चाहिए होता है, दैट आर डायरेक्ट मटेरियल जिसके साथ हम डायरेक्टली कंज्यूम करके या यूज करके अपना कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं. क्लोथ्स फॉर गारमेंट्स, गारमेंट बनाने के लिए हमें कपड़ा चाहिए होगा तो वो कपड़ा हमारा डायरेक्ट मटेरियल है जिसकी हेल्प से हम गारमेंट्स को बनाएंगे या प्रोडक्शन करेंगे. ओके अनदर वन इज इनडायरेक्ट मटेरियल. इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो हेल्प प्रोवाइड करता है आपके मैन्युफैक्चर को स्मूथली रन करने के लिए, ताकि आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और अच्छे से स्मूथली रन हो, प्रॉपरली चले. जैसे कि एग्जांपल है बटन थ्रेड्स फॉर गारमेंट्स. जब हम गारमेंट्स बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, तो उसमें बटन भी लगते हैं, थ्रेड यानी कि धागे भी यूज होते हैं, नीडल यानी कि सुई भी हमें चाहिए होती है, तो ये सारी चीजें हमारी इनडायरेक्ट वे में आती हैं. इनके होने से, इनके ना होने से प्रोडक्शन में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन ये होंगे तो प्रोडक्शन हमारा प्रोसेस हमारा स्मूथली या प्रॉपरली चलेगा, क्योंकि ये भी रिक्वायरमेंट है. बट इनडायरेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारा यूज नहीं होगा. जब ये सब चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी तब हमें बटन और थ्रेड चाहिए होगा उसका यूज करने के लिए, उसको फर्दर करने के लिए.
नेक्स्ट वन इज लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर मशीन्स, यानी कि मशीन पर जब हम काम करते हैं तो हमारी मशीन काम करती है, बट अगर मशीन पर हम उसको प्रॉपरली ऑयलिंग नहीं करेंगे तो वो इतना ज्यादा हमें आउटपुट नहीं दे पाएगी. तो इन दैट केस हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल चाहिए होगा हमारी मशीनरी को स्मूथ रन करने के लिए, और जितना हमारी मशीन स्मूथली रन करेगी उतना ही हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. सो दिस इज द इनडायरेक्ट मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन. नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट लेबर, यानी कि डायरेक्ट लेबर हमारे क्या है, दोज लेबर which can be allocated and involved directly to the production or cost center, that is called direct labor cost. या manufacturing करते time जो भी labor हम directly use करते हैं या हमें bear करनी पड़ती है वो direct labor कहलाती है. Example समझिए, wages to worker, यानी workers जो हमारी factory में काम कर रहे हैं उनको हमें जो दिहाड़ी या मजदूरी देनी होती है उसको हम wages कहते हैं अपने worker को देने के लिए, ताकि वो काम करे हमारी factory में. Next one is wages to truck driver, truck जो ट्रांसपोर्टेशन जिसके थ्रू हमारा माल आएगा जाएगा, लोड अनलोड होगा, तो उसको भी हमें वेजेस देनी होती है, वो भी हमारी डायरेक्ट लेबर में आएगी क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली अफेक्ट करेगी. अगर वो प्रॉपरली टाइम पर हमारा मटेरियल नहीं लाएगा तो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस को अफेक्ट होगा. इट मीन्स इट डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस. द नेक्स्ट वन इज टू कारपेंटर, जो कारपेंटर काम करेगा उसको भी हम डायरेक्टली जो देंगे वो डायरेक्ट वेजेस होती है क्योंकि वो भी डायरेक्टली हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अफेक्ट करेगा. Next one is indirect labor, which do not directly involve in the production process. जो directly affect नहीं करती production process को, involve नहीं होती, that is indirect labor. जैसे कि salary to office employees, manager and supervisor. Salary to office employees, अगर हम एक महीना ये नहीं देते या थोड़ा सा delay हो जाता है तो क्या उससे हमारा manufacturing रुकेगी? नहीं, क्योंकि manufacturing हमारे workers कर रहे हैं जो factory में, वो उसको लुकआउट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं. बट अगर इनकेस उनकी सैलरी देने में या उनके जो भी इंसेंटिव देने में थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो दैट डजंट मीन कि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस पर कुछ इफेक्ट पड़ने वाला. ज्यादा देर कर दोगे तो ऑब्वियसली वो तो इफेक्ट पड़ेगा ही, बट इनिशियल लेवल पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर, क्योंकि जब हमारा प्रोडक्शन हो जाता है तो फर्दर उसकी पैकेजिंग, उसकी एडवर्टीजमेंट का वर्कआउट या लुकआउट कौन करते हैं? इनडायरेक्ट लेबर, यानी कि आपका जो उनको हम सैलरी देते हैं, ऑफिस टू एम्प्लॉयज, manager and supervisors. Okay, the next one is direct expenses. Direct expenses yani wo expenses jo directly affect karte hain hamare production ko ya fir hamare manufacturing process ko, directly affect changes according to the level of the production. Jaise jaise hamara production badhta hai ghatta hai uske according change hote hain wo kharche, wo sare kharche hamare direct expenses hote hain. Jaise ki material, jitna hame production karna ka utna hi chahiye hoga, तो मटेरियल भी हमारा घटता बढ़ता रहेगा अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. कैरेज यानी भाड़ा, जो हम किराया देते हैं अपने सामान को लाने जाने के लिए, वो उसे हम कैरेज कहते हैं. लेबर जो कि हम उनको दे रहे हैं वर्कर्स को, वो लेबर हमारी हो गई. ड्यूटीज एंड टैक्सेस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जितना आपका प्रोडक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस हम पर लगेगी. उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस इनडायरेक्टली टू इनकर टू ऑपरेट बिजनेस एज होल इन प्रोडक्शन. बिजनेस को पूरे होल लेकर जो हम खर्चे करते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि सैलरीज, रेंट पेड, जो रेंट हम देते हैं अपने किराया वर्क फैक्ट्री का, या फिर अगर आपकी है तो नो इश्यू, बट अगर रेंट पर दी गई है तो उसका किराया, या फिर प्रिंटिंग जिससे हम पैकेजिंग भी करेंगे, लेबलिंग करेंगे, उसका नाम लिखिए, दैट इज प्रिंटिंग. द नेक्स्ट वन इज आपका इंश्योरेंस, जो हम अपनी फैक्ट्रीज का करते हैं या अपने ऑफिस का करते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट अकाउंटिंग. ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? मैं आपको एक क्लू देना चाहती हूँ कि आप कैसे जज कर पाएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. जो भी खर्चे हमारे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, आप उसको डायरेक्ट में काउंट कर सकते हैं. दिस इज जस्ट अ क्लू टू आइडेंटिफाई द एक्सपेंसेस कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है. प्रोडक्शन से रिलेटेड या फैक्ट्री में जो खर्चे हो रहे हैं वो हमारे डायरेक्ट है, और प्रोडक्शन होने के बाद उसको तैयार करना है मार्केट में भेजने के लिए, यानी ऑफिस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है, जो ऑफिस वर्क होगा, लुकआउट होगा, उसको पैकेजिंग करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, वो सारे खर्चे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में या इनडायरेक्ट लेबर मटेरियल में आ जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे. तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है. दिस इज जस्ट वन ऑफ द क्लू ताकि आपको इजी हो जाए, अदरवाइज आपको इसके अकॉर्डिंग ही गो थ्रू होना पड़ेगा, तब हम पहचान पाएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट.
expenses kya hai. This is just the introduction of cost accounting or cost and management accounting. तो आज मैंने आपको ये इतना बताया है कि exactly cost accounting या cost होती क्या. So if you like my lecture and आपको कुछ समझ में आया हो तो please like and subscribe my channel Pink Lux Tutorial. मैं फिर हाजिर होंगी एक अगले लेक्चर के साथ में. Till then, stay blessed, stay happy and keep learning. Thank you.